शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी फिर सुबह के 7 बजे जो मज़े की दुनिया थी, जो मज़े के काट लिए, बहुत मज़े काट लिए, अब सुबह 6 या 7 बजे उठना ही पड़ता है मस्ट यूनी के लिए। चले अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, फुल रेडी हो गई हूँ, दूसरी लड़की भी हो गई है और आज वो तीसरी भी आ जाएगी, उसकी गप्पे भी सुन लीजिएगा आप लोग। चले हम लोग चलते हैं यूनी की तरफ, पहले नीचे जाके नाश्ता और फिर नाश्ता करके सीधा यूनी। लेट्स गो। नाश्ता आ चुका है, देख लें आप लोग हॉस्टल का नाश्ता, जो जिन लोगों को हॉस्टल आने का बड़ा शौक होता है ना, वही नाश्ता। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, नाश्ता बहुत मजे का है, चुप करके वो करते हैं फिर हम चलते हैं। अभी मैं यूनी आ गई ईमान भी, और हम सबसे पहले कैफ़े या फिर एडमिशन ऑफिस जा रहे हैं। एडमिशन ऑफिस कुछ काम है हमें, पहले हम वो करेंगे फिर हम अपनी अपनी क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेबल वगैरह देखना है, वो देख के फिर हम लोग चलेंगे क्लासेस की तरफ। देखते हैं क्या सीन है, कब फ्री होना है, ये तभी से थक चले हम लोग चलते हैं। अभी एडमिशन ऑफिस आ गए हैं हम लोग, ये एडमिशन ऑफिस की बिल्डिंग को चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है आज का हमारा। अभी मेरा काम हुआ नहीं और अब इसका काम देखने जा रहे हैं हम लोग, इसका टाइम टेबल देखने जा रहे हैं। बस कितनी अजीब बात है, 8:30 बजे की क्लास स्टार्ट थी और खुद एडमिशन वाले आ रहे हैं 9:10 बजे, ये क्या बात है। खुद तुम लोगों को नहीं पता टाइम से आते हैं। हाँ मुझे ना फेंकना, मैं तो वैसे ही कह रही थी। चलो कोई ना, हम इसका टाइम टेबल देखते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है, अभी कुछ नहीं पता हम लोगों को। अभी मैंने ईमान को छोड़ दिया है और अब मेरे पास ना नेट है और ना मैंने अपने, अभी मेरा एडमिशन ऑफिस जरा काम था वो करना है, ना मेरे पास नेट है ना मेरे पास, अभी वो तीसरी बच्ची मुझे कहीं मिलनी है और अब मुझे मेरा किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं होना, अब देखें क्या होता है। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरा अपना काम हो चुका है, बस एक और चक्कर एडमिशन ऑफिस का मेरा लगेगा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरा काम हो चुका है। अब जा रही हूँ मैं क्लास लेने, फिर क्लास लेके फिर दोस्तों को ढूँढेंगे क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है, फिर उनको ढूँढेंगे फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी चलते हैं फिर क्लास लेके, फिर मैं आप लोगों को दोबारा। हाँ जी अभी क्लासेस लेके खज्जल खराब होके, दो क्लासेस थी मेरी इकट्ठी, टाइम पहले टाइम टेबल पकड़ा फिर क्लास की तरफ आ गई, फिर क्लासेस ली, दो क्लासेस ली इकट्ठी थी वो ली, और अभी मैं आई हूँ। शुक्र है मुझे इसको, इस लड़की को ढूंढना नहीं पड़ा, ये मुझे सामने ही कहीं, और मैं आपको सुबह से ढूंढ रही थी तो मैं खबर हुई उसका तो नहीं, तो वो नहीं, तो मैं क्या करूँ, तो होती रहो। इतना मैंने फोन किया, इतना फोन किया, मेरी सिम नहीं थी जा रही है। चलो फिर मैं एडमिशन ऑफिस गई, एडमिशन ऑफिस में थोड़ा काम था वो किया और ये एडमिशन ऑफिस आ गए, मुझे वहाँ ही मिल गए। नहीं तो मैं सोच रही थी मुझे कहाँ किससे नेट मांगना पड़ेगा, किससे कैसे रब्ता करती, लेकिन मैंने नेट नहीं था मांगना, मैंने जाके कैफे बैठ जाना था। तो अब इसका काम रहता है, करना है तुमने, मेरा कोई काम नहीं, मुझे बस घर भेज दो, चलते हैं फिर सुबह पढ़ा लेंगे हम। अभी आई है लड़की और हम जो 3 दिन से यहाँ है और अभी से इसको घर जाना है, हम सुबह करा लेंगे ना, तो फिर ठीक है सुबह करा लेंगे। सर भी यही कह रहे थे मेन काम इसका सुबह ही होना, 15 दिन के अंदर अंदर हो जाते कर लेंगे। चलो ठीक है ओके, अभी हम तीसरी बजे वो तीसरी को पकड़ते हैं, ईमान को पकड़ते हैं, फिर हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ। ओके अभी मैं और ये अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, जो तीसरी लड़की है उसको मैंने बुला तो लिया, पता नहीं आती है कि नहीं आती, वो कहती है वो बहुत टाइम लगाई। सही बात है, इन दोनों ने तुमसे सही से लीव करके रखा हुआ है, नहीं तो मैं 11:20 पे बिल्कुल फ्री हो चुकी थी और मैंने अभी तक घर रो बस करो, बड़ी बड़ी मेरे ब्लाउज में ना छोड़ो तुम, ये सच है तुम छोड़ो जो मर्जी को, बकवास करिए बकवास करके, लेकिन चल हमें इससे क्या लेना है, मैं कहूँ तो पब्लिकली अच्छा नहीं लगेगा आपको ये। अच्छा 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 अभी मैं और ये और वो तीसरी आ रही है फिर गेट पे, जी जी हाँ, फिर हम लोग चलते हैं हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल जाके देखते हैं आज क्या करते हैं। अभी अभी मैं हॉस्टल आ गई हूँ,
इसी एरिया पे खड़ी होगी, मैं हमेशा आपको ब्लॉगिंग करती नजर आऊँगी। खैर अभी अभी मैं हॉस्टल आई हूँ, बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब ज़रा फ्रेश वगैरह होंगे फिर देखेंगे क्या सो। अभी मैं हॉस्टल आ गई हुई थी, अभी मैं विंडो से बाहर देख रही थी और देख रही थी इतनी धूप मेरे सीधा रूम में और खिड़की पे। क्या ठीक है लगा रही हो? वो क्या इतनी गर्मी लग रही है ना, देखिए सीधा क्या वरना तो पता ही है, इतनी प्यारी मेरी शक्ल है। अब मुझे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं ना उनसे पूछो मैं कितनी क्यूट हूं, जो तुम्हें देखते हैं उनसे पूछ लो किसी सूरत नहीं मानने को तैयार। बड़ी आई तुम, वैसे कर दे जब तुम मना कर दे क्या, मेरी फैमिली से पूछो मैं कितनी प्यारी हूं। फैमिली गधे घोड़े भी प्यारी लगते हैं, गधे घोड़े या ये है ना गधी अपनी फैमिली को प्यारी लगती है गधी। चले हम यहाँ अपना व्लॉग एंड करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करते हैं आज। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ये इस कदर चंगली रख रही है, इसे पहले ही मुझे कह दिया था मुझे व्लॉग भी ना लेना नहीं तो इसको मैं लेके आती और बताती आप लोग। अच्छा ब्यूटी को वाजिया, कभी मैं थोड़ी ब्यूटी को वाजिया करूँ ना। चलिए हम व्लॉग एंड करते हैं ना, इसके साथ तो जितनी देर मर्जी गप्पे मार लो, इसने मार देना ना।